कल के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला था। अब कल के गिरावट के चलते म्यूचुअल फंड्स पे क्या असर रहा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है और कैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट का बहुत कम असर दिखा है। वैसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी डाटा रखूंगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और यहाँ पे कम गिरने वाले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उसके साथ ही साथ मैं आपके सामने यहाँ पे कम से कम 30 से 32 फंड रखूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मिला के, कि ऐसे फंड्स में कल का जो एक गिरावट देखने को मिला उसका क्या असर रहा। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड से जिसमें सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। कल का अगर मैं इंडेक्स का अगर आंकड़ा आपके सामने रखूं तो इंडेक्स में स्पेशली मिड कैप इंडेक्स में 3% के आसपास गिरावट था, जबकि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो 4% का गिरावट देखने को मिला था। अगर आप सबसे ज़्यादा यहां पे गिरावट की बात करोगे, टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान में यहां पे गिरावट देखने को मिला है, ऑलमोस्ट यहां पे 3.10% का गिरावट NAV में देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे बात करें तो निपोन इंडिया ग्रोथ फंड है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.73% का गिरावट देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूँ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2.70% का गिरावट देखने को मिला है। तो ये तीन फंड जिसमें मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, अगर एक दिन का मैं रिटर्न देखूँ तो यहाँ पे टाटा मिड कैप फंड और निपोन इंडिया ग्रोथ फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। लेकिन सबसे कम जो असर देखने को मिला, कुछ वैसे फंड भी हैं अगर आप देखोगे तो सबसे कम असर जो देखने को मिला वो एक्सिस मिड कैप फंड में सिर्फ 1.77% का गिरावट देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे बात करूं तो HSBC मिड कैप फंड है, यहाँ पे 2.1% का गिरावट देखने को मिला। और तीसरे नंबर पे कोटेक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जिसमें 2.2% का दबाव देखने को मिला था, एक दिन का ये रिटर्न है। अब ऐसा नहीं है कि इन आंकड़ों के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि हमें कैसे म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। कुछ और मिड कैप अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हो DSP मिड कैप फंड में यहाँ पे 2.44% का गिरावट था, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप में यहाँ पे 2.69% का, क्वांट मिड कैप फंड की बात करूं तो 2.28% का गिरावट, मिराय एसेट मिड कैप फंड की बात करूं तो 2.44% का गिरावट देखने को मिला, एडिलविस मिड कैप में यहाँ पे 2.62% का गिरावट देखने को मिला, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूं तो 2.31, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2.69 और SBI मैग्नम मिड कैप में यहां पे 2.26% का गिरावट देखने को मिला। ये कुछ मिड कैप फंड थे जिसमें कल के गिरावट का असर देखने को मिला। चलिए अब स्मॉल कैप कैटेगरी से जानते हैं कि कैसे फंड्स में गिरावट ज़्यादा और कम देखने को मिला है। देखो अगर मैं सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट जो देखने को मिला है क्वांट स्मॉल कैप फंड में, ऑलमोस्ट 3.94% का गिरावट देखने को मिला। जितना इंडेक्स में गिरावट दिखा वैसा ही इस म्यूचुअल फंड के NAV में भी गिरावट देखने को मिला। वैसे ही दूसरे नंबर पे बात करें, जो सबसे ज़्यादा गिरा है दूसरे नंबर पे है वो है आप देख सकते हो DSP स्मॉल के फंड, 3.57% का यहाँ गिरावट देखने को मिला। तीसरे नंबर पे बात करें तो महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल के फंड है, यहाँ पे 3.56% का गिरावट देखने को मिला। सबसे कम जो असर रहा, जो इंडेक्स में गिरावट हुआ उसका कम असर जो कल देखने को मिला, उसमें से सबसे कम जो गिरा है वो स्पेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, 2.15% का सिर्फ गिरावट देखने को मिला। दूसरे नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप है, 2.28% का गिरावट देखने को मिला। और तीसरे नंबर पे सुंदरम स्मॉल कैप फंड है, यहाँ 2.37% का गिरावट देखने को मिला। अब कुछ स्मॉल कैप आपके सामने रखूं, जी हाँ, अगर सबसे पहले मैं कैनारको स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे 2.52% का गिरावट देखने को मिला। ITI स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 3.40% का यहाँ गिरावट देखने को मिला है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे 3.06% का गिरावट है। HSBC स्मॉल कैप फंड की बात करूं 3.47% का गिरावट। आदित्य बिरला सनलाइफ स्मॉल कैप फंड में 2.91% का गिरावट है। एडिलविस स्मॉल कैप फंड में
2.77% का गिरावट, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 2.97% का गिरावट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 2.68% का गिरावट, कोटक स्मॉल कैप में यहां पे 2.68% का गिरावट, निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 3.50% का गिरावट, टाटा स्मॉल कैप में 2.92% का गिरावट देखने को मिला है। तो ये कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड्स थे जिसमें गिरावट देखने को मिला, कल का असर आपको दिखा। मैंने कल के वीडियो में लास्ट में ये भी बताया था कि ये गिरावट हो सकता है, थोड़ा बहुत कंसोल होगा, उसके बाद मार्केट फिर से रिकवर होगा। देखो, अगर देखा जाए मार्च 27 के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई गिरावट नहीं था। जी हाँ, बहुत बड़ा गिरावट नहीं था, गिरावट होता भी था तो 1% से कम का गिरावट दर्ज किया गया था। लेकिन जो कल का गिरावट था उसमें पूरे 2023 का सबसे बड़ा गिरावट दर्ज किया गया था। और अगर आप इंडेक्स की बात करोगे, जैसे कि निफ्टी की बात करो, सेंसेक्स की बात करो, तो उसमें कुछ दिन पहले गिरावट था, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 3-4% का गिरावट हो चुका था अपने हाई पॉइंट से। मैं जो यहाँ पे अनुमान लगा रहा हूँ, देखो आने वाले इलेक्शन तक 2024 तक मार्केट का मूड, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप का जो स्टॉक्स का मूड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, एक दिन का बिकवाली था, बिकवाली हुआ, अब यहाँ पे आज के दिन खरीदारी देखने को मिला, तो छोटे मोटे आपको गिरावट देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 4-5% का और कहीं आपको गिरावट हो, बट वो हम एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे। फिलहाल अभी आपको अपने मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में SIP को भी कंटिन्यू करना चाहिए, और कुछ अगर अपॉर्चुनिटी मिले गिरावट का तो वहाँ पे आपको एक लमसम भी करना चाहिए। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अब तक चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।